के लिए चिकन लिया है 300 ग्राम, फ्रेश क्रीम यमलाई 1 टेबलस्पून, ग्रेटेड चीज़ 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, इसको आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। दही लिए 1 टेबलस्पून, इसका पानी बिल्कुल निकाल दिए। और इसके अलावा ये एक पेस्ट है, इसमें 2 सब्ज़ मिर्ची, 4 काजू, पत्ते धनिए के, 4 पीस लहसुन के और 1/2 इंच का छोटा टुकड़ा अदरक का, उन सब चीज़ों को मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम चिकन में डाल देंगे। दही डालेंगे, नमक, ग्रेटेड चीज, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन जूस, कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला पाउडर। तैयार किया हो पेस्ट, क्रीम, अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन को हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा वक्त हो तो आप इसको 3-4 घंटों के लिए कवर करके रख सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे व्यूअर को डाल देंगे। व्यूअर को भी हमने आधा घंटा पहले पानी में धो दिया था, बाकी मसाले डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक-एक करके स्क्यूअर डाल देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। एक साइड से भी पक चुका है, अब हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि तमाम साइड अच्छे से टेंडर हो जाए। ये रेडी हो चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे और ऐसे ही दूसरी फ्राई कर देंगे। तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई कोठी। आप इस रेसिपी को जरूर